नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में अब हर तरह की अग्नि हादसों से निपटने के लिए दमकल विभाग और तैयार है। जबलपुर दमकल विभाग के पास प्रदेश में पहली टीटीएल यानी टेंटेबल लैडर मशीन आ गई है, जो न केवल बेहद मजबूत है बल्कि 56 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटों को बुझा सकती है। इतना ही नहीं, यह मशीन अग्नि हादसे को रोकने के साथ साथ रेस्क्यू भी कर सकती है, यानी 18 मंजिल ऊपर फंसे लोगों को आग बुझाने के साथ साथ सुरक्षित नीचे भी ला सकती है। जर्मन से बुलाई गई इस टीटीएल मशीन का मुआयना करने के लिए आज महापौर जगत बहादुर अनु नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल और नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बीच पहुंचे। महापौर ने कहा कि जबलपुर नगर निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से इस मशीन को जर्मन से इंपोर्ट किया गया है। इस मशीन के आ जाने से अब जबलपुर में किसी भी तरह के हादसा होने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हर तरह की अग्नि हादसों से निपटने के लिए जबलपुर नगर निगम सक्षम है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जल्दी फायर सूट भी नगर निगम खरीदने जा रहा है, जिससे आग के लपटों से घिरे लोगों को दमकल कर्मी फायर सूट पहनकर आसानी से बाहर ला सकेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की थी और बेशक आप जाके इसे प्रोग्राम लगा, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि हर महानगर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, और कहीं ना कहीं जाके हम इस बात पे फेल हो जाते थे कि जब आग लगती थी तो मशीनें काम करना बंद कर देती थी। मगर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अच्छी बड़ी मशीन टीटीएल हमारे बीच में आई है, और 56 मीटर की दूरी काफ़ी होती है। और इस बात की सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई रेस्क्यू होता है और कोई मतलब जल जाता है, किसी मरीज को नीचे उतारना है, तो उसके लिए ये नहीं कि गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, बाकायदा उसमें लिफ्ट लगी है, हम पेशेंट को उसमें से उतार सकते हैं और वो काम अपना बुझाने का काम चालू रखेगी। ये इस प्रकार की मशीन जो मध्य प्रदेश की, मतलब आज तक पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी मशीन नहीं आई, कहीं ना कहीं जाके हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि जबलपुर अब महानगर में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे महापौर जी से कहना चाहता हूँ कि नगर निगम में इस प्रकार की एक दो गाड़ियाँ और होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने देखा हो कुछ समय पूर्व ही 2-3 जगह बहुत ज़्यादा भीषण आग लग गई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, नगर निगम के हमारे अग्निशामक दल ने पूरी उसकी सेवा की, रक्षा की और काफ़ी कुछ बचाने के प्रयास भी किए और अच्छा भी हुआ, लेकिन आज जो ये मशीन आई है इससे आने वाले समय में जबलपुर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस मशीन की अच्छी देखभाल हो, इसका अच्छा मेंटेनेंस हो, और इसको जो चलाने वाले हमारे ऑपरेटर हों, कहीं ना कहीं जाके वो पूरे इंटेलिजेंट और टेक्निकल होना चाहिए, ताकि इस मशीन का अच्छे से उपयोग किया जा सके। है ये जबलपुर लगाने, जबलपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का काम आज हुआ है। टर्न टेबल लैडर, ये हमारे फायर विभाग में एक मशीन जो जर्मनी से 10.5 करोड़ रुपए की आई है, जो मध्य प्रदेश की पहली है, 56 मीटर की हाइट तक, यानी कि 17 से 18 मंजिल किसी भी बिल्डिंग पर अगर आने वाले समय में अब अग्निकांड होता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो यह मशीन जाकर वहाँ पर लोगों को सिर्फ बचा के नहीं लाएगी, बचाने के साथ साथ हम इसके सपोर्टिंग में वहाँ पर आग को बुझाएंगे भी, लोगों को लिफ्ट के माफिक उतार के भी लाएंगे। 360 डिग्री पे ये मशीन घूमती भी है, मल्टीपर्पज़ मशीन है ये, लोगों को जबलपुर शहर में बड़े हादसों से बचाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग इस मशीन के साथ हम लोग 5 ऐसे फायर सूट 2 महीने के अंदर जोड़ने वाले हैं कि अगर कहीं अग्निकांड होता है तो उस अग्निकांड में हमारे जान की बाजी लगाने वाले फायर फाइटर्स वो फायर सूट पहन के लगी हुई आग में अंदर जाके 20-25 लोगों को बचाने की क्षमता उनके पास आ जाएगी। यह मशीन और फायर सूट मिलाकर हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले शहर में हमारे यहाँ अगर किसी भी प्रकार का अग्निकांड या अन्य कोई गैस कांड या किसी प्रकार से होता है, तो हम लोग ऐसे हमारे शहर के नागरिकों को बचाने में सक्षम होंगे। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।